मुझे जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास दो बच्चे हैं, तो हम तो पहले से उस कानून के दायरे में। नीतीश जी के बयान में आपको क्या लगता? मैंने वो बयान क्या दिया नहीं देखा। अभी आपके एमएलसी हैं संजय पासवान जी बिहार के, वो अपने मुख्यमंत्री के खिलाफ बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि वो क्यों विरोध कर रहे हैं, जो भी सब। अरे वो यूपी में कानून बन रहा है तो अलग अलग राज्य में अलग अलग कानून बनते हैं, कोई खींचतान नहीं है। मैंने हाँ मुझे तो मुझे जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास दो बच्चे हैं, तो हम तो पहले से उस कानून के दायरे में। नीतीश जी के बयान में आपको क्या लगता है? मैंने वो बयान क्या दिया नहीं देखा। अभी आपके एमएलसी हैं संजय पासवान जी बिहार के, वो अपने मुख्यमंत्री के खिलाफ बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि वो क्यों विरोध कर रहे हैं, जो भी। अरे वो यूपी में कानून बन रहा है तो अलग अलग राज्य में अलग अलग कानून बनते हैं। और रुके ना, यूपी पार्लियामेंट में कई ऐसे विधायक हैं जिनके पास 8 बच्चे 5 बच्चे 4 बच्चे हैं, तो क्या ये कानून उस कानून के दायरे में भी आएंगे? हम तो इस कानून के दायरे में नहीं आएंगे, हमारे 2 बच्चे हैं। अच्छा, एक सवाल, दूसरा सवाल है, कावड़ यात्रा होने वाली है, वो ये कावड़ की यात्रा की बात शुक्ला जी, शुक्ला जी करेंगे, यहाँ का हम कुछ पता नहीं किए हैं। तो यूपी का बहुत लाभ है बिहार को भी, गोरखपुर एयरपोर्ट से उतर के लोग गोपालगंज आते हैं, सीवान आते हैं। अभी कुशीनगर में जो नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा उसका भी लाभ पड़ोसी होने के नाते मिलेगा। हम यूपी का अच्छा पड़ोसी है बिहार, दोनों जगह डबल इंजन की सरकार है, और योगी जी और नीतीश जी दोनों विकास के रास्ते पर चल के बिहार और यूपी को आगे बढ़ा रहे हैं। बनारस में है, क्या उनके दौरे को लेकर के आने वाले चुनाव को लेकर बनारस के सांसद हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, अपने संसदीय क्षेत्र में पूरे यूपी में खुशी की लहर है प्रधानमंत्री के आने से। सर ओबीसी जी यूपी विधानसभा में योगी जी को चुनौती देने की बात कर रहे हैं, क्या करें? हम तो कई बार हैदराबाद में उनको चुनौती दे दिए हैं जाके, तो कहाँ पूछते हैं आप। वो यूपी में बीजेपी की सरकार बनेगी, जिस तरह सूरज का उगना तय है वैसे कमल का खिलना तय है, यहाँ पर हमारी सीटें पहले से बढ़ेगी और फिर से सरकार बनेगी।